डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स इफेक्ट इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मीन्स घूर्णन स्पेक्ट्रा में समस्थानिक प्रभाव। यानी समस्थानिक जो प्रभाव होता है उसको हम घूर्णन स्पेक्ट्रा में किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं, यानी जो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे रहे हैं उसमें आइसोटॉप्स यानी समस्थानिकों का क्या प्रभाव हो सकता है, उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि आइसोटॉप कहते किसको है, यानी सिंधी में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है समस्थानिक। हमने क्या लिखा है? समस्थानिक। तो समस्थानिक या फिर आइसोटॉप किसे कहा जाता है? तो समस्थानिक और आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट जिनका एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। यानी जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। इसलिए जब हम किसी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसको यदि हम किसी आइसोटोप से चेंज कर दें तो आइसोटोप से चेंज करने पर उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि अंतर नाभिक की दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, किंतु उसके हम ये कहें कि जो उसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज नहीं आया तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उसके मास में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने सपोज दिया यहां पर CH4 मेथेन और एक और दे दिया CH4 मेथेन। इसमें कार्बन मेरे पास में 12 है, इसमें मेरे पास कार्बन 13 है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके एटॉमिक नंबर तो दोनों के सेम है, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों के 6-6 है, बस एटॉमिक मास क्या होगा, एक का 12 हो गया, एक का 13 हो गया। तो मैं कह रहा कि जब किसी मॉलिक्यूल में कोई परमाणु अपने समस्थानिकों से किया जाता है यानी उसमें आइसोटॉप्स आ जाता है तब उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी अंतर नाभिक की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, किंतु उसके मास अर्थात द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। अब द्रव्यमान में परिवर्तन कैसा है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितने 4, मतलब एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, टोटल 4 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना हो गया, 16। यहां पर कार्बन का मास 13 है और प्लस 4 कितना हो गया, 17। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी अंतर नाभिक की दूरी में तो परिवर्तन नहीं आता है किंतु उसके मास में परिवर्तन आ जाता है। और जब उसके मास में परिवर्तन आया तो डेफिनेटली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार उसके बी और आई में भी चेंज आ जाता है। अब ये बी और आई क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि बी क्या है, बी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। बी को क्या कहेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो हिंदी में कहें तो घूर्णन स्थिरांक। घूर्णन स्थिरांक हमने कुछ वैल्यू लिखी थी बी इक्वल टू एच, क्या लिखा था यहां पर, लिखा था हमने 4π² IC, ऐसा कुछ लिखा था हमने। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो बी की वैल्यू में चेंज आता है और दूसरा आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस जड़त्व आघूर्ण में चेंज आ जाता है। तो क्या बात हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहें तो जड़त्व आघूर्ण। तो उसके बी और उसके आई में परिवर्तन आ जाता है। जब उसके बी और आई में परिवर्तन आ गया तो जड़त्व आघूर्ण मॉलिक्यूल जो रहता है, अणु रहता है, अणु से अणु जब बनता है तो किनसे मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा, एटम से होगा। तो उनके एटम्स के वेट के ऊपर मॉलिक्यूल का वेट डिसाइड होता है, मींस इस CH4 का पूरे का वेट जो है किस
किसके ऊपर डिसाइड होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर डिसाइड होता है। इस प्रकार से हम यदि यहां से एक और उदाहरण ले लें, एक और एग्जांपल ले लें और उस एग्जांपल को हम समझें। हमने एक एग्जांपल लिया यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड हमने CO ले लिया। जब हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ले लिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो कार्बन एक 12 और एक कार्बन 13 है। हमने दो अलग अलग कार्बन ले। अब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन 12 को हमने कार्बन 13 से एक्सचेंज कर दिया। जब एक्सचेंज करते हैं तो इन दोनों के मास में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जब मास में परिवर्तन आ गया तो डेफिनेटली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखें क्या होता है कि v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/I होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यदि जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो रोटेशनल कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है? इसलिए क्या हो सकता है? b का मान घटता जाता है। तो जब जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है तो b का मान यानी कि रोटेशनल कॉन्स्टेंट घट जाता है। और यदि इस ग्राफ के द्वारा इसको समझें, कैसे समझ सकते हैं? तो हम देखो यहां पर लिखा हुआ है, हम एक ग्राफ बना रहे कार्बन 12 का, तो हम ये तो बना रहे कार्बन 12 का और ये बना रहे कार्बन 13 का। ठीक, अब इन दोनों में क्या चेंज आ रहा है? देखो हमने लिखा एक, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लाइन क्या होती है? उनमें गैपिंग बढ़ती जाती है। इस तरीके से रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात, यहां पे क्या हुआ? ट्रांजिशन 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3 और 3 से 4 ट्रांजिशन। आगे बात करते कार्बन 13 की। अब देखो दोनों का ग्राफ देखते हम लोग क्या चेंज आ रहा है उसकी तरफ से। ट्रांजिशन क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हम CO मॉलिक्यूल लिया यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, उसमें कार्बन 12 आइसोटोप है, दूसरे में कार्बन 13 आइसोटोप है, यानी कार्बन 12 को कार्बन 13 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यदि हम देखते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल को देखें तो जैसे जैसे मास बढ़ता है तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो ट्रांजिशन होता है, जो गैप होती है, वो डिक्रीज हो जाती है यानी घट जाती है। तो हम देखेंगे कि यहां पर हमने दो ग्राफ बनाया, एक तो CO 12 का है और एक CO 13 का। तो 13 का मास ज्यादा होने हो जाने के कारण इसके जो ग्राफ मिल रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो लोअर हो गए, और इसका वेट बढ़ जाने के कारण ट्रांजिशन क्या हो गए? तो इसका वेट कम हो जाने के कारण ट्रांजिशन क्या हो गए? हाई हो गए। तो आइसोटोप इफेक्ट ये है कि यदि हम जैसे जैसे हाई मॉलिक्यूलर मास की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के जो ट्रांजिशन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, वो डाउन फेज में चले जाते हैं यानी कि वो घटते जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा बात होगी क्या है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप इफेक्ट इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा का हमारा आइसोटोप हो गया। क्लियर है? तो ये तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये टॉपिक था हमारा किसका? बीएससी किसका? फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोर्शन है उसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पोर्शन था जो हम लोगों ने इस लेक्चर में स्टडी किया या हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइसोटोपिक स्पीसीज इन द मॉलिक्यूल। थैंक यू स्टूडेंट्स।